रेल टिकटों पर पीएम मोदी की तस्वीर होने का मामला सामने आने से बवाल मच गया। इस बीच निर्वाचन आयोग ने इसे आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर तैनात 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले कर्मचारियों में बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर तैनात रिजर्वेशन सुपरवाइजर सुरेश कुमार, चित्रा कुमारी और मुख्य आरक्षण प्रबंधक ओमकार नाथ शामिल हैं। रेल प्रशासन के संज्ञान में भी जैसे तथ्यात उन्होंने बताया कि इमीडिएट तत्कालिक प्रभाव से 2 उनके जो है कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। उसमें एक श्री संतोष कुमार जी आर एस सेकेंड और मैडम चित्रा कुमारी सी आर एस, इसको सस्पेंड कर देगा। उसका मैसेज था तो हम रिपोर्ट अपनी जो है माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को भेज रहे हैं। और इसमें हमने पूछा कि ये हुआ कैसे, तो उन्होंने ये बताया कि 20 तारीख को ये खबर हुई, 20 तारीख को ये बात आई कि इसको जो है रोल को अपना यूज़ किया जाए। 21 से इसका मतलब उस रोल को यूज़ कर रहा था जिसमें फोटो नहीं थी, लेकिन मेरा कहना था कि आचार संहिता 10 मार्च से ही लग गई। दरअसल चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद डीएम ने एडीएम संदीप कुमार गुप्ता को इस मामले की जांच सौंपी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।